प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन में वृद्धि के लिए कई स्तरों पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी देने तथा पर्यटन के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रीवा जिले में 24 अगस्त को जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी शासकीय अशासकीय और केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। रीवा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता शासकीय पीके कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित की जाएगी। इसमें स्कूल के माध्यम से गठित विद्यार्थियों के दल 5 अगस्त तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल से 3 विद्यार्थियों के दल को शामिल करने का अवसर मिलेगा। जिला स्तर पर विजेता टीम को 15 सितंबर को आयोजित राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थी को मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा की जाएगी। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी प्राचार्यों को निर्देश देकर क्विज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का पंजीयन कराएं। विद्यार्थियों के चयन के लिए स्कूल स्तर पर पर्यटन संबंधी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करके श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन करें। वहीं जिला स्तर पर पंजीकृत टीमों को जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में लिखित परीक्षा तथा ऑडियो विजुअल क्विज में भाग लेना होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।